हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क लेके हाजिर हुए हैं और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल को आज हम बताएंगे और आपसे ही सॉल्व करवाएंगे। आप लोग भी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और फिर वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले उन छात्रों के लिए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब किए हैं वह इस चैनल को शेयर करें। अब आते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम अर्थात समय, वर्क अर्थात कार्य। जैसे देखिए एग्जांपल, कृष्णा किसी कार्य को 6 दिन में करता है। कृष्णा किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 6 डे। 6 दिन अगर काम करता है कृष्णा तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक कार्य को पूरा कर लेता है। तो हमें सवाल आता है कि अगर कृष्णा सिर्फ एक ही दिन कार्य करता, वह 6 दिन पूरा कार्य नहीं करता, तो वह कितना कार्य करता? 1 डे वर्क। अर्थात कृष्णा के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य क्या है? तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क। 6 दिन में कार्य पूरा कर रहा है अर्थात 6 अलग अलग दिन, तो एक कार्य का वह कितना भाग करेगा? 1/6 भाग। कितना भाग करेगा? 1/6 भाग। अर्थात प्रत्येक दिन वह आएगा 1/6 वर्क करेगा और कार्य करके क्या होगा? चला जाएगा। तो एक दिन का कार्य उसका क्या आ जाएगा? 1/6। ये क्या है? पार्ट, कार्य का। तो इस तरह से आपको बहुत बार सवाल आता है, किसी व्यक्ति का दिया हुआ रहेगा कार्य और पूछेगा 1 दिन 2 दिन या 5 दिन में कितना कार्य करेगा। फिर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि मोहन किसी कार्य को 15 दिन में करता है। मोहन किसी कार्य कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो बताएं कि मोहन 5 दिन में कितना कार्य करेगा? मोहन कितने दिन में कितना कार्य करेगा? 5 दिन में कितना कार्य करेगा? देखिए मोहन का क्या कर रहा है, मोहन किसी कार्य को 15 दिन में करता है, अर्थात मोहन लगातार 15 दिन आए तो वह एक कार्य को पूरा करता है। और हमें मोहन का कितने दिन का काम चाहिए? 5 डे वर्क, 5 दिन का कार्य। अर्थात 5 दिन तक मोहन आएगा, 5 दिन तक मोहन आएगा तो कितना कार्य का? 15 कार्य का ना, 15वां कार्य का भाग। अर्थात कार्य का क्या? एक कार्य। और दिन कितना था? 15। कितना होगा? 5/15। 5/15 अर्थात कटता है तो कटा दीजिए, कितना हो गया? 1/3 वर्ग। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि हम 5 दिन पूछे तो 5 ऊपर ही क्यों दिए, 15 भी तो ऊपर दे सकते थे। देखिए कार्य कितना दिन में करता है? 15 दिन में। कार्य कितने दिन में करता है? 15 दिन। अर्थात मोहन लगातार 15 दिन तक आए तो वह एक कार्य करेगा। अर्थात एक कार्य का क्या? 15 दिन तक कंटिन्यू आए तो उसका कितना? 15 भाग पूरा होगा। 15/15 अर्थात कितना वर्ग? 1 वर्ग। इसलिए जितना दिन का आपको पूछा जाए उसे आप ऊपर लिखिएगा और उसके द्वारा लिए गए समय को कहां लिखना है? नीचे लिखना। अर्थात मोहन कितना काम करेगा 5 दिन में? 1/3 वर्ग। कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, धीरे धीरे स्टेप को ऊपर ले जाना है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए एक सवाल इसका जस्ट रिवर्स देखते हैं। अब कार्य से हमको समय पे जाना है। जैसे राधा किसी कार्य का 1/3 भाग 16 दिन में करती है। अब देखिए एक सवाल क्या कर, राधा किसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 पार्ट को राधा 16 दिन में पूरा करती है, तो बताएं कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? याद रखिए कार्य सदैव एक ही होता है। आप एक ही कार्य किसी को करते हैं, एक ही कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य कितना? 1 वर्क। कितना वर्क हो गया? 1 वर्क। एक कार्य को पूरा करने में समय, कार्य बढ़ेगा तो आपका समय भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कार्य घटेगा तो आपका समय भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या है वर्ग? देखिए 16 और ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर और 1 नीचे। अर्थात कितने दिन का समय लगेगा? 48 डे।
वह कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा? 48 दिन में। अब हम वर्क से समय पे जा सकते हैं, समय से वर्क पे आ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे है आपको मोहन किसी कार्य को 45 दिन में करता है, मोहन किसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो बताएं कि मोहन 15 दिन में कितना कार्य करेगा। तो बताएं कि 15 दिन में कितना कार्य करेगा मदन के 15 दिन का वर्क क्या होगा? हमको कितने दिन का वर्क चाहिए? 15 दिन का। किसका? मदन का। अर्थात 15 चाहिए किसमें से? 45 में। 15 बटा कितना लिख दीजिएगा? 45। अर्थात कितने हो गए? 1/3। 1/3 क्या हो गया? कार्य। तो मदन कितना कार्य कर सकता है? 1/3 कार्य। ये तो एक व्यक्ति का कार्य है। कभी ऐसा भी होता है कोई काम कराना हो आपको, एक व्यक्ति के बदले में दो व्यक्ति लगा लेते हैं, कभी तीन व्यक्ति भी वर्क करता है, कभी चार व्यक्ति भी वर्क करता है। तो चलिए हम एक ऐसा मेथड सीखते हैं जिससे दो हो, तीन हो या चार हो, व्यक्ति की संख्या कुछ भी रहे, सवाल बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम सवाल लेते हैं, राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और श्याम उसी कार्य को 10 दिन में करता है। अब देखिए दोनों का दिन अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? एक ही है। राम जिस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, श्याम उसी कार्य को सिर्फ 10 दिन में कर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? श्याम की कार्य करने की क्षमता अधिक है, राम की कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। राम की कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। कार्य क्षमता जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा होता है। जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा हो वह समय कम लेगा, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो वह समय अधिक लेगा। तो कार्य करने में दो चीज की आपको जरूरत होगी, वर्क के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किन दो चीजों की? टाइम एंड इफिशियंसी, कार्य क्षमता। टाइम और आपकी कार्य क्षमता। तो देखिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जस्ट रिवर्स है। अगर आपका टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी इफिशियंसी कम है, अगर आपका टाइम घट रहा है अर्थात इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। जहां यहां देखिए सवाल में राम किसी कार्य को क्या था? 15 दिन में, और श्याम उसी कार्य कितने दिन में? 10 दिन में। अब इसका तात्पर्य है कि इसका एफिशिएंसी ज्यादा और इसका एफिशिएंसी कम है। हम एक ऐसा कार्य करते हैं कि दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। दोनों का क्या ले लिए? एलसीएम ले लिए। ये जहां 15 दिन में कार्य कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कार्य कर रहा है। यूं हम समझ ले कि राम जो है 15 कुर्सी बना सकता है और श्याम जो है 10। ठीक। अब देखिए 15 इसका और इसका क्या है? 10। देखिए हम वर्क पे चले आए, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आए हैं इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 15 डे है और ये 10 ये क्या है? डे। लेकिन समझने के लिए हम क्या बोले आपको? चेयर मान के चलते हैं, लेकिन चेयर एक वर्क है या जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। 15 और 10 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 30। 15 और 10 कैल्शियम 30। अब अगर ये 15 कार्य कर सकता है और काम कितना है? 30, तो अर्थात इसे कितना समय लग जाएगा? 2। जस्ट हम अपोजिट सोच रहे हैं, जबकि ये डे है और ये आपका वर्क है। अब ये 10 है तो 10 दिया 30, इसे कितना लग जाएगा? 3। अब दोनों मिलके कार्य करे, दोनों क्या करे? मिलके कार्य करे। कौन दोनों मिलके? राम और श्याम। आपको काम कितना करवाना है? 30 काम करवाना है। राम कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है, और श्याम कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। अर्थात राम और श्याम दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितना हुआ? 3 + 2 = 5। दोनों का कार्य क्षमता कितना हुआ? 5 हुआ। अर्थात इफिशियंसी जो आपको दिया है वह क्या है? 5 है, और वर्क जो है आपका कितना है?
30 है, वर्क क्या है आपका 30 है, और एफिशिएंसी कितना है देखिए 3 और 2 5 हो गए। तो आपको निकालना क्या है टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम टाइम निकाले तो क्या हो जाएगा वर्क बाय क्या एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। ये तो कार्य करने की क्षमता ही है ना भाई, हमको कार्य कितना करवाना है 30 कार्य करवाना है, और दोनों की क्षमता कितने की है 3 और 2 5, अर्थात दोनों मिलकर काम करे तो हमें कितने दिन का समय लगेगा 6 डे का, दोनों मिलके कार्य करे कितने दिन का समय लगेगा मात्र 6 दिन का। चलिए फिर एक दूसरे सवाल से हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, कहीं भी परेशानी हो रही हो तो कोई बात नहीं, आप फिर से इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, हम इसका 2 से 3 वीडियो डालेंगे, प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। टाइम एंड वर्क आप बना रहे थे अभी तक आपसे नहीं बन रहा था, तो आज आप किताब खोलिए, अपने सवाल को बनाना प्रारंभ कीजिए और प्रयास कीजिए, आपका सवाल 100% बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए जैसे हम सवाल देखते हैं, अमित किसी कार्य को 16 दिन में करता है, अमित किसी कार्य को 16 दिन में करता है, जबकि सुमित, देखिए जबकि सुमित उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि सुमित उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर का तात्पर्य क्या है, अमित और सुमित दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमको क्या निकालना है, अमित प्लस सुमित मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप जो सवाल पढ़ते हैं वह एक लैंग्वेज में है, आप उस सवाल को मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए। देखिए मैंने कहीं भी सवाल बोर्ड पे नहीं लिखा, हम चाहते तो पहले सवाल लिखते फिर सॉल्व करते, ये कार्य आपको करना है, कॉपी कलम तैयार रखना है, साथ साथ सवाल को लिखिए पढ़िए समझिए और बनाइए, देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को एक कहानी की तरह मूवी की तरह देखे और चले आए, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, आपको वर्क करना है मेरे साथ, जिस तरह मैं मार्कर लेके यहाँ खड़ा हूं आपको कॉपी और कलम लेके बैठना है, देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जो वीडियो उसके साथ चलना है। तो सवाल था अमित किसी कार्य को 16 दिन में करता है और सुमित उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए अब दोनों की हम क्या निकाल देंगे, कार्य का एलसीएम 16 और 12 का, ये 16 दिन में कर रहा है ये 12 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 48। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी कितने बार में 16 या 48, ये 3 गुण कार्य कर सकता है और ये 4 कार्य कर सकता है। अमित की कार्य क्षमता कितने की होगी एफिशिएंसी 3 की, और सुमित की कार्य क्षमता कितने की है 4 की, अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ जितने समय में अमित 3 कार्य करता है, जितने समय में अमित 3 कार्य करता है उतने समय में सुमित 4 कार्य कर लेता है, और हमें कार्य कितना करवाना है 48 वर्क करवाना है, कितना वर्क करवाना है 48। तो टाइम बराबर आप क्या जानते हैं वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क कितना है आपके पास 48, और दोनों मिलके कितना कार्य कर सकता है 3 और 4 को जोड़ दीजिए ना, 3 और 4 कितने हो गए 7। तो आप इसे पूर्णांक में बदल लें, क्योंकि ऊपर जो है बड़ा है नीचे क्या है छोटा है, कभी भी अंश बड़ा और हर छोटा नहीं लिखा जाता, नहीं तो यह एक विषम भिन्न होगा, हम इसे सम भिन्न में बदलते हैं और पूर्णांक में बदल देते हैं, 6 पूर्णांक 6/7 दिन। बिल्कुल परेशानी नहीं हो रहेगी आपको, इस तरह का जो भी सवाल आपका हो आप 2 व्यक्ति से रिलेटेड सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। अब 2 व्यक्ति के बदले 3 व्यक्ति भी हो सकता है, देखिए पहले मैंने 1 व्यक्ति से कार्य कराया, फिर मैंने 2 व्यक्ति से कार्य कराया, अब मैं 3 व्यक्ति से कार्य कराऊंगा,
अब मैं तीन व्यक्ति से कार्य कराऊंगा, जैसे अमित, सुमित और निकेत। तीन व्यक्ति हैं मेरे पास, पहला व्यक्ति अमित है, दूसरा व्यक्ति सुमित है और तीसरा व्यक्ति निकेत है। अमित किसी कार्य को 12 दिन में करता है, आपका जो लैंग्वेज में है उसे मैथमेटिकल टर्म्स में आप बदलिए, आप सवाल को लिखिए, अमित किसी कार्य को 12 दिन में करता है, सुमित उसी कार्य को 16 दिन में करता है। सुमित उसी कार्य को 16 दिन में करता है, जबकि निकेत इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। जबकि इस कार्य को निकेत 8 दिन में कर सकता है, तो बताए कि तीनों मिलकर, कौन तीनों मिलकर, अमित, सुमित और निकेत तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताए कि अमित, सुमित और निकेत कौन कौन, अमित, सुमित और निकेत इस कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। बस पुराने मेथड में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें सबसे पहले 12, 16 और 8 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएंगे भाई, 48। अर्थात हम क्या ले लिए, 48 वर्क हमको कराना है और इसकी एफिशिएंसी कितना बार, 4 times 3 और ये क्या 6, 1 4 3 और 6। अब देखिए सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका है, निकेत का, अर्थात निकेत की कार्य क्षमता ज्यादा, लेकिन हमें तो निकालना क्या है, तीनों मिलकर निकालना है। तो तीनों मिलकर निकालना है तो टाइम, आपके पास वर्क कितने दिए हुए हैं, 48 वर्क है और तीनों मिलकर जब काम करेगा तो कितना कार्य होगा, जोड़ लीजिए 4 3 7 और 6 13 कार्य एक दिन में हो जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी टोटल मिला कितने हो गए, 13 और काम कितने आपके पास, 48। तो टाइम बराबर क्या, वर्क वाई पी सीएनसी कार्य करने की क्षमता, 48 में 13 से भाग दे दीजिए और पूर्णांक में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.9/13 दिन। आप इसे पूर्णांक में बदल लीजिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, जिस तरह तीन व्यक्ति दिए 4 रहे 5 रहे कहीं कोई टेंशन नहीं, बस आपको पहले एलसीएम निकालना है और फिर सबका एफिशिएंसी देख लेना है। ये जो एलसीएम है यही तो मेरा वर्क है, इतना ही तो हमको वर्क कराना है, किससे, 1 से 2 से 3 से जितने व्यक्ति से हो सबसे कराइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टाइप का एक और सवाल हम समझने के लिए ले रहे हैं, इस टाइप का जस्ट एक और सवाल समझने के लिए ले रहे हैं कि मधु किसी कार्य को 15 दिन में करती है, मधु किसी कार्य को 15 दिन में करती है, सोनी उसी कार्य को 12 दिन में करती है, सोनी उसी कार्य को 12 दिन में करती है और जूली इस कार्य को 20 दिन में पूरा करती है। देखिए तीन व्यक्ति हैं, कौन कौन सा, मधु, सोनी और जूली, तीनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, तीनों को कार्य करने में लेने वाला मिलने वाला समय भी अलग है। मधु जो इस कार्य को 15 दिन में कर रही है, सोनी 12 दिन में कर रही है, जूली 20 दिन में कर रही है, और हमें पूछा जा रहा है कि मधु, सोनी और जूली तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। हमें क्या करना है, पहले तीनों का एलसीएम निकालना है, किसका, 15 का, 12 का और 20 का, किसका, 15, 12 और 20 का, फर्स्ट में एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 12, 20 का 60, अर्थात मेरे पास जो कार्य है वह कार्य कितने का है, 60 कार्य हमको कराना है। प्रत्येक की आप एफिशिएंसी चेक करिए, कितने बार में, 4 times 5 times 5 4 3 या 4 5 3। चलिए टाइम, तीनों को लगने वाला समय, तीनों मिलकर कार्य करे तो कितना समय लगेगा, आपको कार्य कितना चाहिए, 60 वर्क चाहिए और प्रत्येक की एफिशिएंसी देखिए कितना कितना है, 4 5 9 3 12। अगर तीनों मिलकर कार्य करे तो एक दिन में कितना काम होगा,
12 काम और काम हमें कितना है 60, तो लगने वाला समय कितना हो गया 5 डे। देखिए एक व्यक्ति का निकाला हमने, दो व्यक्ति का निकाला हमने और तीन व्यक्ति का भी निकाला। इस तरह से आप चाहे तो 4-5 जितने की चाहे निकाल सकते, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे स्टेप को हम ऊपर उठाते चलेंगे। जहां परेशानी हो थोड़ी सी भी, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कंसल्ट कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट करके कंसल्ट कर सकते हैं। और घर पे आप बनाना आरंभ कर दीजिए। कहीं भी रहे हमेशा आप स्टडी से दूर मत रहिए, स्टडी चालू रखिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लगातार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, तो अपने अभ्यास को अपने से दूर कभी मत कीजिए। चलिए एक नया टाइप देखते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दोनों मिलकर, पहले देखिए क्या कर रहा है, दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए मैं पहले भी बोला हूं, मैं सवाल नहीं लिखूंगा, सवाल लिखने का कार्य आपका है। जब तक आप हमारे वीडियो के साथ सवाल को लिखिएगा नहीं, बनाइएगा नहीं, तब तक आप में ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि हमसे सवाल बन जाएगा। इस चीज को समझने के लिए आपको कॉपी कलम की आवश्यकता होगी हमारी वीडियो के साथ। तो जब भी देखना प्रारंभ करें अपने हैंड में कॉपी और कलम ले लीजिए और देखिए। नहीं तो होता क्या है, वीडियो एक रामायण की तरह शुरू से लेके अंत तक चल जाती है और स्टूडेंट जो है जुड़ नहीं पाता, वर्क कर नहीं पाता। मैथ बना रहे हैं तो आपका हाथ भी चलना चाहिए और मस्तिष्क भी चलना चाहिए। बस एक इफिशियंसी है और दूसरा टाइम। इफिशियंसी अर्थात आपकी कार्य करने की क्षमता, सवाल बनाने की क्षमता, जितना अधिक होगा उतना ही आपका समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्क आपका क्या है, क्वेश्चन और आंसर, कितना ज्यादा आप बना रहे हैं। तो चलिए हम सवाल पे थे कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में। स्वाभाविक है कि दो व्यक्ति जब कार्य करे तो समय क्या होगा, कम होगा, और एक व्यक्ति कार्य करेगा तो समय क्या होगा, ज्यादा होगा। दो व्यक्ति के सापेक्ष में एक व्यक्ति निश्चित रूप से ज्यादा समय लेगा। तो देखिए यहां सवाल में भी है कि ए और बी 12 दिन में और ए अकेला 20 दिन में, तो हमें जवाब किस सवाल का देना है, तो बताएं कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा। किसके बारे में पूछ रहा है हमसे कि बी जो है भाई वह कितने दिन में करेगा। पहले हम यह देख लेते हैं कि दोनों का एलसीएम क्या है, 12 और 20 का एलसीएम क्या है। 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 60। अब देखिए कार्य क्षमता निकालते हैं कि 60 वर्क है कितने बार में, ये 5 और इसका कितना 3, अर्थात ए तथा बी, ए और बी दोनों मिलके कार्य करे तो यह 5 वर्क कर सकता है एक दिन में। ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे तो 5 कार्य एक दिन में कर सकता है। इसकी कार्य क्षमता कितने की है, 5 की है, जबकि ए अकेले कार्य करे इसकी कार्य क्षमता कितने की है, मात्र 3 की है। तो बाकी जो कार्य क्षमता होगी 5 कैसे हुआ, इसका तात्पर्य कि 5 इस कार्य क्षमता में बी का भी भाग मिला है तब तो ये 5 हुआ, नहीं तो ये था तो सिर्फ 3 था। जैसे दो व्यक्ति के पास, ए और बी के पास 5 रुपये हैं, ए का 3 रुपया है, भाई बी का कितना हिस्सा हुआ, निश्चित है 5 में आप 3 घटाइएगा अर्थात बी का हिस्सा कितना है, 2 का है। तो बी का समय
तो आपका जो यहाँ है वर्क कितना है 60, कार्य कितना करवाना है बी से 60, और बी की क्षमता क्या है, इस ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे तो जो बचेगा वह किसका होगा, बी का। 5 में 3 आप घटा दीजिए, कितना आया 2, अर्थात बी इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या हो गया, बी इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए इस टाइप के एक और सवाल को हम लेते हैं। अभी जो मैंने बताया, अभी जो मैंने समझाया, इस आधार पे आप दूसरे सवाल को सेल्फ से बनाइएगा। चलिए सवाल देखिए क्या है, पी तथा क्यू, इस बार कौन व्यक्ति आगे, एक व्यक्ति पी और दूसरे क्यू। पी तथा क्यू दोनों मिलकर, पी तथा क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पी अकेले इस कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। देखिए सवाल क्या है, पी तथा क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करता है, पी अकेले इस कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताएं कि क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, आपने अभी समझा होगा तो मेरे बताने से पहले बहुतों का आंसर आ गया होगा, मजा आ रहा होगा बनाने में, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए अगर हम बता देते तो आपको क्या होता कि आप तो सिर्फ कहानी की तरह देख रहे होते, और अभी क्या है, एक सवाल मैं बताता हूं और दूसरा आप तुरंत बना के तैयार हो जाते हैं। तो कॉपी कलम को नहीं छोड़ना है और साथ साथ सवाल को सॉल्व करते चलना है। 15 और 25 का मैं पहले क्या ले लूं, एलसीएम आप भी लिए। 15 और 25 के एलसीएम क्या हो गए, 75, 75 डिवाइड कीजिए, ये 5 टाइम्स और ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब देखिए पी प्लस क्यू की कार्य क्षमता या दोनों मिलकर एक दिन की क्या है, 5 की है, और पी का क्या है, 3 का है, अर्थात पी और क्यू मिलकर जहां दोनों 5 काम करता है, पी अकेले कितना काम करता है, 3 काम करता है, और काम आपके पास है कितना, 75। क्यू का समय, टाइम, टाइम बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क कितने का है आपको, 75 वर्क है। चलिए और 5 में से यहाँ क्या करना होगा, 3 को घटाना होगा, क्योंकि 5 वर्ग किसका है, पी और क्यू दोनों का है, और पी का कितना हो जाएगा, पी का कितना, 3, तो क्यू का 5 में से 3 घटाए तो क्या बच गया, 2, अर्थात पूर्णांक में बदल दीजिए 37.5 दिन, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए इस टाइप से आप सवाल को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी परेशानी नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप टाइम एंड वर्क का सीख सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम एक नया सेक्शन यानी इसी टाइम एंड वर्क का नया टाइप लेके हाजिर होंगे, और आप लोग जो है इस टाइप के सवाल को तब तक अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए हमें उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी, और कल का वीडियो का आप अच्छे से इंतजार कर रहेंगे, कब वीडियो आए, कब सवाल आए और मैं सॉल्व करूं। और जिनको भी इंतजार रहेगा वह कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर हम वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वीडियो आएगी, कितनी जल्दी हमें क्वेश्चन मिलेगा कि हम सॉल्व करें। तो जो भी इंतजार कर रहे हैं सवाल का, जो भी इंतजार कीजिएगा वह कमेंट के माध्यम से निश्चित बताइएगा, और जिन बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए हमारे चैनल को शेयर अवश्य करें। ओके बाय।